आपको देंगे वागड़ क्षेत्र के कांग्रेस नेता की अशोक गहलोत से वार्ता। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के सिविल लाइन्स स्थित निवास पर वार्ता। अर्जुन बामनिया और रमीला खड़िया और नानालाल निनामा के साथ वार्ता। कांग्रेस नेता दिनेश खोडनिया भी बैठक में मौजूद रहे। आदिवासी क्षेत्र के कांग्रेसी नेताओं के पलायन को रोकने की कवायद। तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत के सिविल लाइन्स स्थित निवास पर यह वार्ता। अर्जुन बामनिया, रमीला खड़िया और नानालाल भी इस वार्ता में मौजूद रहे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के सिविल लाइन्स स्थित निवास पर यह वार्ता इस वक्त हो रही है और अर्जुन बामनिया, रमीला खड़िया के साथ ये वार्ता। कांग्रेस नेता दिनेश खोडनिया भी बैठक में मौजूद। कांग्रेसी नेताओं के पलायन को रोकने की कवायद। दरअसल लगातार कांग्रेसी नेता कांग्रेस का दामन छोड़कर अन्य पार्टियों में शामिल हो रहे हैं और इसी को लेकर ये वार्ता बड़ी है। कांग्रेसी नेता लगातार कांग्रेस का दामन छोड़कर अन्य पार्टियों की ओर रुख कर रही हैं और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए अपने आप में बड़ा झटका है। ऐसे में पूर्व सीएम अशोक गहलोत जो है अब इस पूरे मामले पर नजर रख रहे हैं। ये तस्वीर भी सामने आई है सभी नेताओं की, जहां पर आपको नजर आ रहा होगा सभी नेता एक साथ नजर आ रहे हैं, जिसमें पूर्व सीएम अशोक गहलोत हैं और बाकी सभी नेता अर्जुन बामनिया इसमें मौजूद हैं। दिनेश खोडनिया भी बैठक में क्योंकि मौजूद रहे थे, उनकी भी तस्वीर सामने आई है। कांग्रेसी नेताओं के पलायन को रोकने की कवायद जो है वो लगातार अब कांग्रेस में जारी है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के सिविल लाइन स्थित निवास पर ये चर्चा की गई है। रमीला भी मौजूद है, नानालाल निनामा भी इस वार्ता में मौजूद रहे, उनकी भी तस्वीर जो है वो सामने आई है। तो देखिए महत्वपूर्ण है लोकसभा चुनाव से पहले अब इन सब चीजों पर चिंतन मंथन करना, क्योंकि कांग्रेस एक तरफ तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस के जो नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन थाम रही हैं और ऐसे ही कई बड़े नेताओं का नाम इस वक्त राजस्थान में भी निकलकर सामने आ रहा है कि वो जल्द ही कांग्रेस का दामन छोड़कर अन्य पार्टियों को ज्वाइन कर सकते हैं।